आम आदमी पार्टी दी पंजाब दी जा दिल्ली दी सरकार होवे एक केवल अराजक ना समझ लोगों का ग्रुप है जिहड़ा सुरखियां बटोरन वास्ते किसी भी हद तक जा सकदा। पंजाब दी हेल्थ सर्विस नूं तबाह करन दी योजना बनाई हुई है, वड्डे वड्डे डॉक्टर और पंजाब दी प्रतिभा नूं बदनाम किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, तबाह किया जा रहा। वड्डियां बीमारियां नाल लड़न वाले हस्पताल फेल हो जाते और इन्हां दी डिस्पेंसरियां जिहड़ियां डिस्प्रिन ते सेराडोन दीआं गोलियां देण वालीआं ओ महला क्लीनिक उन्हां नूं तवज्जो दित्ती जा रही है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंजाब नूं पीजीआई दिता, पंजाब के अंदर कैंसर हस्पताल बठिंडा च दिता, दो नवें मैडिकल कॉलेज कपूरथला और हुशियारपुर च दिते हैं। पर जिस तरह कल एडे सीनियर डॉक्टर नूं अपमानित किया, अज एडे वड्डे स्तर के डॉक्टर ने इस्तीफे दिते ने पूरे पंजाब की मैडिकल सर्विसिज के अंदर और पंजाब की प्रतिभा क्षेत्र के अंदर निराशा का वातावरण बनया, क्योंकि यह सरकार केवल सुरखियां बटोरना चाहती है और सरकार ना समझ लोगों के हाथ है। कभी विधायक डीसी नाल लड़ रहे, कभी पुलिस अफसर नाल लड़ रहे, कभी सरकार अपने फैसले ऐसे फैसले जो गोपनीय रखे जाने से उन्होंने सार्वजनिक कर दिया केवल सुरखियां बटोरने और पंजाब के अंदर मूसेवाला की हत्या होगी। पंजाब अज तबाही की ओर बढ़ रहे और जिस तरह की कल की घटना है इस घटना ने पंजाब के अंदर निराशा का वातावरण पैदा किया और आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर नु तुरंत अस्तीफा देना चाहिए और भगवंत मान जी सार्वजनिक खड़े होकर माफ़ी मंगनी चाहिए है। और पंजाब के अंदर जिस तरह प्रतिभा अपमान हो रहा है, चाहे पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर मंत्रीमंडल के उपर एक सुपर बॉस का एक अपना मंत्रीमंडल, मंत्रीमंडल के उत्ते फिर एक मंत्रीमंडल, फिर सलाहकार परिषद, ये पंजाब पंजाबीयत का अपमान है और कल की घटना दुख देने वाली, दर्द देने वाली और पंजाब की प्रतिभा को अपमानित कर। शराब नीति के उत्ते क्यों बैकफुट पर चली गई आम आदमी पार्टी सरकार? केजरीवाल साहब स्पष्ट करो कि दाल काली है कि दाल च काला है। अगर शराब की नीति ठीक सी तो सीबीआई इंक्वायरी तो डर किस गल का, अगर नीति गलत है तो लागू को की गई सी। जनता जानना चाहती है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अंदर रोज नवियां अटखेलियां करके वातावरण को खराब कर रही है और पंजाब होए और या दिल्ली शराब नीति नु एटीएम की तरह इस्तेमाल करके लोगों लुटिया भी जा रहा है और कुछ घर फायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।